पटना सिटी बाईपास थाना के सब इंस्पेक्टर सोनू कुमार की दबंगई का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वही सब इंस्पेक्टर और जीप के ड्राइवर ने डॉक्टर राजेश रंजन की पिटाई कर दी। आपको बता दें, डॉक्टर की पिटाई करने के बाद बाईपास थाना पुलिस जिप्सी में बैठा कर रास्ते में उतार दिया। ये पूरा मामला पटना सिटी के बाईपास थाना इलाके के छोटी पहाड़ी के पास सारांश हॉस्पिटल का है। गुरुवार की सुबह अस्पताल के दरवाजे के पास पड़ोसी ने कूड़ा कचरा फेंक दिया था, जिसका विरोध अस्पताल के मैनेजर सरिता कुमारी ने किया, लेकिन पड़ोसी ने सरिता कुमारी के साथ गाली गलौज करने लगे, जिसकी शिकायत मैनेजर ने बाईपास थाने को दी। वही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर सोनू कुमार दल बल के साथ अस्पताल पहुंच जाते हैं और पूरे मामले की जांच शुरू कर देते हैं। पुलिस पदाधिकारी जांच करने के बाद सारांश हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश रंजन की पिटाई शुरू कर देते हैं। साथ में ड्राइवर भी डॉक्टर की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये बर्दाद कैद हो गया। वही थाने के मुंशी अतुल कुमार का भी वीडियो सामने आया है, जहां बाईपास थाना के प्राइवेट ड्राइवर और सब इंस्पेक्टर सोनू कुमार के लिए माफी मांगते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले बाईपास थाना अंतर्गत एक रोड एक्सीडेंट सुबह हुआ था, जिसमें ऑटो चालक ने आरोप लगाया था यह बाईपास थाना के मुंशी अतुल कुमार यहां पर वसूली करने आते हैं। बाईपास थाना कहीं ना कहीं आरोप के घेरे में है और थाना को किसी तरह का डर नहीं है बड़े अधिकारी का। अच्छा बात है, इन सभी को जो अनपढ़ जाहिल गमार अगर चालक है तो आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है उसको क्या पता है? हम लोग जानते हैं उस चीज में। हम लोग तो बात सुन लीजिए, उसको क्या पता है? हम लोग जान रहे हैं कि उसका रुतबा क्या है। एक आईएएस चलता है तो 10 आदमी खड़ा हो जाता है। मीटिंग में जब हम लोग अटेंड करते हैं, यहाँ तो आके पटना में बंदे हो गया, छोटा जिला में जब थे ना, तो महीना में एक बार हम लोग मीटिंग में जरूर जाते थे हर में। उससे पहले हम वेट कर रहे हैं, लेकिन वो आएंगे, एंट्री जब होता है ना तो सब खड़ा हो जाता। क्यों? उसका ये हस्ती बोलता है, जिसको इस चीज का आईएएस के बारे में उसको जानकारी नहीं है कि कैसे तैयार हुआ। एक प्रधानमंत्री जब पद से हटते हैं, शपथ पत्र जब देते हैं ना, तो आईएएस बैठा हुआ रहता है, लेकिन फिर उनके अंडर भी उनको काम करना। लेकिन सबका समय आता है, वो 60 दिन के लिए है, 60 साल के लिए है, 5 साल के लिए, तो अभी उसको हाथी जो नेता प्रधानमंत्री या आपका डीएम साहब हाथ जोड़ने जाए, ठीक है ना? इसलिए आपका अप्रोच सही है, आपका संस्था चलता है, ठीक है? कुछ उल्टा हुआ तो हम उसके लिए सॉरी हैं। आप क्या चाहते हैं बताइए। हॉस्पिटल छोटी पहाड़ी माँ शीतला मंदिर रोड में अस्पताल में स्थित है। आज मॉर्निंग में बगल वाले कूड़ा कचरा फेंक मेरे हॉस्पिटल के गेट पे फेंके, तो इसी दौरान हमारे हॉस्पिटल के मैनेजर सरिता कुमारी ने उन्हें रोका। उसी रोकने के दौरान में बगल वाले ने उनके साथ गाली गलौज बदतमीजी किया कि आपको उठा के लेके चले जाएंगे, यहाँ से क्या हो तो भी है वगैरह। तो हमने सोचा कि प्रशासनिक को इसकी खबर दिया जाए, तो मैंने बाईपास थाना में एप्लीकेशन सरिता कुमारी से दिलवाया। तो इसी के दौरान कुछ देर बाद थाने से SI सोनू कुमार आए और तहकीकात करने के बाद मतलब बगल वाले के पक्ष में बोले कि ये हॉस्पिटल के बाहर कूड़ा कचरा फेंकेगा, आप कौन होते हैं बोलने वाले, रोड पे फेंक रही है। तो इसी दौरान मैंने बोला कि सर ये तो अभी मेरे हॉस्पिटल में डेंगू का पेशेंट है सर, सारा चीज़ अभी सर यहाँ पे हम लोग साफ़ सफाई रख पा रहे हैं, तो इस पर सर ध्यान रखना है। तो इसी दौरान मेरे साथ डॉक्टर मेरे साथ SI सोनू कुमार गाली गलौज करने लगे, मारपीट तथा फिर मैंने जवाब भी दिया कि सर आप मार रहे हैं सर, कोई बात नहीं सर। तो फिर उनके ड्राइवर ने मेरे पे हाथ उठा दिया और उसके दौरान उन्होंने कहा कि चलो तुमको अभी 302 का केस लगाएंगे और तुमको 6 महीना तक जेल से निकलने नहीं देंगे। तुरंत वहाँ से जिप्सी पे बैठा के मुझे आगे बिग हॉस्पिटल के पास उतार के बोले कि आज भर छोड़ दे रहे हैं, आगे से बगल वाले के साथ बदतमीजी नहीं करना, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करना। तो फिर मैं वहाँ से वापस अपने अस्पताल आया, फिर हमने थाने में जाके एप्लीकेशन दी SI सोनू के ख़िलाफ़। तो फिर वहाँ पे थाने से लोगों ने बताया कि हमारे ये सहानुभूति हमें दी कि जो ऑफिसर लोग रहते हैं वो बहुत प्रेशर में रहते हैं, गलती हो गई होगी, आपसे गाली गलौज हुआ होगा, इस बात को आगे नहीं बढ़ाया जाए और जहाँ तक थाने से आप उलझेंगे आप ही फंसोगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ वीडियो है, ऑडियो नहीं है। हमने हम
हम लोग ये भी साबित कर सकते हैं कि आप उनके साथ गाली गलौज किए हैं, इसीलिए अभी आपका मेरा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो वापस के हम लोग अस्पताल आ गए। फिर उसके बाद फिर हमने मीडिया सोच रहे हैं कि मीडिया लोग के साथ अपना एक एप्लीकेशन बनाया है जो थाना, ये मेरा एप्लीकेशन है जो अनुमंडल पुलिस अध्यक्ष महोदय के पास मैं देने जा रहा हूँ कि मेरे साथ जो घटना घटी है उसकी उचित कार्रवाई किया जाए, जो हमारे साथ, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट भरा हुआ था, मेरा ओपीडी चल रहा था डॉक्टर लोग के, उस समय उसी बीच दौरान में पेशेंट के साथ भी वहाँ पे दिक्कत हुई और सारे ओपीडी को आज स्थगित कर दिया गया है, डिस्टर्बेंस हॉस्पिटल में हो गई है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश रंजन है, मैं सरांस हॉस्पिटल का। सुबह में ड्राइवर गाड़ी धो रहा था, गाड़ी धोने के दौरान बगल से कचरा लेके आई और ये हॉस्पिटल के सामने फेंक दी, तो वो बोला कि मैडम आप थोड़ा अंदर जाके फेंक दीजिएगा तो चला जाएगा, हॉस्पिटल के सामने फेंक रही हैं तो अब शब्द का उपयोग करने लगे कि तुम्हारे बाप का ज़मीन है हम फेंकेंगे। तो फिर हम लोग गए तो वहाँ पे हम लोग बोले कि नहीं मैडम आप इस तरह से बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं, आपको तो अंदर ही फेंकने के लिए बोला जा रहा है। तो फिर तब तक उनके हस्बैंड बाहर निकल के आ गए और मेरे साथ बदतमीजी से बात करने लगे, अब शब्द यूज़ करने लगे कि तुमको हम उठा के लेके चले जाएंगे, दिस दैट वाली बात बोलने लगे। जिसके फिर हमने हम लोग बोले कि जैसे कि अभी डेंगू फैला हुआ है हॉस्पिटल सब जगह, तो हम लोग साफ सफाई रख रहे हैं तो सरकार ही हम लोग को बोल रहा है सब जगह साफ सफाई रखने के लिए, तो कचरा आप फैला रहे हैं, तो तब तक ईंटा उठा के फेंकने लगा, बोला कि आपको मार देंगे हम। तो फिर हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग चुप हो गए। फिर हम लोग बोले कि गए वहाँ थाना पे जाके हम लोग दरखास्त लिख के दिए बाईपास थाना पे। तो पहले बाईपास थाना पे बात किए तो बोले कि आके एक एप्लीकेशन आपको देना होगा, तो एप्लीकेशन आके दिया। तो फिर वो बोले कि ठीक है मैडम आप चले जाइए हॉस्पिटल और पीछे से गाड़ी हम भेज दे रहे हैं। तो हम लोग को लगा कि चलो ठीक है भाई, इतना अच्छा है कि हम लोग पीछे गाड़ी भेज रहे हैं। हम लोग आ गए हॉस्पिटल पे आए तो उधर से कुछ टाइम के बाद वो लोग आए जिनका नाम सोनू कुमार है जो SI हैं, तो वो आए। फिर उनके बाद हमसे पूछे कि सरिता कुमारी कौन है, तो हम बताए हमें तो सर ये मैटर था, बोले तो ठीक है हम बात कर लेते हैं जाके। तो वो गए अंदर, 10 मिनट बाद हुआ फिर आए हम लोग के पास। तो उस टाइम में हमारे यहाँ के सारांश हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं डॉक्टर राजेश रंजन, उनसे बात हुई, बोले कि अपने मालिक अपने पिताजी से बात करवाओ। फिर वो अपने पिताजी से बात करवाए, पिताजी के बात करने के बाद वो बोलने लगे कि यहाँ पे आप गाड़ी क्यों लगाते हैं, यहाँ पे कचरा फेंकाएगा, वैसा बात वो सोनू कुमार SI बोल रहे हैं, यहाँ पे कचरा फेंकाएगा, सरकार इतना पैसा दे रही है कचरा साफ करने के लिए और वो कह रहे हैं कि यहाँ कचरा फेंकाएगा रोड पे, और ऐसा बात वो खुद बोल रहे हैं, कितना शर्म वाली बात है। फिर उसके बाद हो गया कि हाँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर फ़ोन पे बाता बाती हुआ तो ये खुद बोले क्या कि सर आप इस तरह से बात कर रहे हैं कि कचरा रोड पे फेंकेगा चाहे गाड़ी यहाँ लगाएगा। मेरे हम लोग खुद प्रशासनिक विभाग से हैं, मेरे भैया DM हैं, तब तक इनका कॉलर पकड़ लिया और बोल रहे हैं कि DM है तो क्या हो गया। किनका कॉलर पकड़? डॉक्टर राजेश रंजन का। कितने पर? ये सोनू कुमार जो SI हैं। और फिर उसके बाद कॉलर पकड़ा, फिर उसके बाद एक थप्पड़ खींच के दे दिए। उधर से फिर नीचे से उनका ड्राइवर आया और ड्राइवर आके इनको मारने लगा। मारने के बाद कोई वैसा बात ही नहीं हुआ कि आगे ना हम लोग समझ पाए कि हम लोग क्या बोले नहीं बोले। तुरंत में कि हाँ तुम्हारे भैया DM है तो क्या हो गया, और उसमें थप्पड़ ऊपर चला के और उनको पकड़ के तुरंत बंद गाड़ी में बैठा करके लेके चलो जाके वहाँ। फिर हम लोग कंप्लेन किए।